मम्मी शैतानी मत करो, अगर ये तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं प्रिंसिपल को बुला कर लाती हूँ। किसी को भी बुलाओ, मैं छिप जाऊंगी, मिलूंगी भी नहीं। काव्या, काव्या बाहर आओ ना, कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? चला उस जमीन के बारे में कि वो जमीन जो है वो गवर्नमेंट को मिलने वाली है, और इतनी बड़ी बात उन लूथरास को पता कैसे नहीं है? अंजलि, जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना, मतलब मैं जब भी कोई जमीन खरीदने के लिए जाता हूँ तो उससे पहले पिछले 99 सालों का इतिहास पता करता हूँ, और वही इतिहास मुझे डूबने से बचाता है। और तुम्हें पता है मैंने किससे सीखा? ऋषभ से। लेकिन आज सुबह मैंने क्या किया, उसके घर पे पुलिस भेज दी केस वापस लेने के लिए, और उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया और वो अपना बरसों पुराना काम करना भूल गया। तो बता, थोड़ी देर पहले मैं उसे बिजनेस प्लाजा में मिला था, मैंने उसे थोड़ा सा प्रोवोक क्या कर दिया, अपने इमोशंस कंट्रोल करना भूल गया, गुस्से में आ गया वो। कुछ वक्त पहले मुझे कहा करता था कि गुस्से में नहीं रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और अब उसका स्वभाव देखो कैसे गुस्सा हो जाता है। अब उसे समझ में आएगा कि जब किसी को गुस्सा आता है ना तो उसे शांत करना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी मुझे लगता है अंजलि कि वो मेरा वर्जन बनता जा रहा है, पुराना वर्जन, और मैं अपना एक नया वर्जन बनता जा रहा हूं, काव्या के लिए एक नया वर्जन है। वर्जन अंजलि, मैं सच बताऊं तो मुझे ना दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस काव्या को खुश देखना चाहता हूं, काव्या के चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ, उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, उसे हग करना चाहता हूँ। जब उसके वो नन्हे नन्हे हाथ पकड़ता हूँ अपने हाथों में तो मन करता है कभी उसके हाथ छोड़ू ही ना। जब उसे मैं हग करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे इस दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना सुकून मिलता है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता। पर तुम्हें पता है अंजलि, मेरी आंखों के सामने 3 बार ऋषभ और प्रीता ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी जान खतरे में डाली, लेकिन अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी जान खतरे में डालने। अब मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं रहने दूंगा, बहुत जल्द मेरी बेटी मेरे पास होगी। मतलब वो
हर वक्त काव्या के साथ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं प्रीता जी। नहीं, उसका कहने का मतलब क्या था? ऑफ कोर्स हम काव्या के पेरेंट्स हैं, हम तो डर जाएंगे ना। मुझे तो इन सब बातों से बहुत डर लगता है। आपको डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग हैं ना। काव्या हमारी बेटी है, इस घर की बेटी, कुछ नहीं होगा। वो पता क्या कर रहा है? वो चाह रहा है कि हम डरे। वो हमसे दो कदम आगे चलने की प्लानिंग कर रहा है। That's it. अगर वो हमसे दो कदम आगे चलने की प्लानिंग कर रहा है तो हम क्यों पीछे हटे? हम उससे चार कदम आगे चलते हैं। इसलिए जब आप काव्या को लेकर डर रही थी ना कि अर्जुन उसको हमसे दूर कर देगा, मैंने उसी वक्त सोचना शुरू कर दिया था। और मैंने सोच लिया, प्रीता जी मैं चाहता हूँ कि काव्या को हम लोग न्यूजीलैंड भेज दें मेरे कजन के पास। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप, मॉम, करीना बुआ, दादी, कृतिका सब लोग न्यूजीलैंड चले जाएं। आप लोग एक बार वहां चले जाएंगे ना, आप लोग सेफ हो जाएंगे, तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी कि अर्जुन के वार से मैं कोई अपना खो दूंगा। उसके पास तो कोई अपना है नहीं, तो उसे कोई डर है नहीं। मेरे पास तो पूरा परिवार है, मुझे सबको देखना है ना प्रीता जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वहां चले जाइए, सब कुछ सेफ हो जाएगा प्रीता जी। उसके बाद मैं प्रॉपरली उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। पता नहीं ये आइडिया कहाँ तक ठीक है। हम सबको इस तरह दूर जाना चाहिए कि नहीं? वेल, आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। हाँ ठीक है, तो सबको काव्या के साथ बाहर भेज देते हैं ताकि सब लोग सेफ हो जाए। लेकिन मैं यहाँ रुकती हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं। मैं नहीं जाऊंगी प्रीता जी। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ जी? प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, आपका जाना बहुत जरूरी है। काव्या को कौन देखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा प्रीता जी? अरे काव्या के साथ तो सब लोग होंगे ना, सब साथ में जाएंगे उसके, और बाद में हम भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आपके साथ यहाँ कौन होगा? आप अकेले होंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तरह मुश्किल की घड़ी में हाथ छुड़ाकर थोड़ी चली जाऊंगी। सुख हो या दुख हो, हम साथ रहेंगे और साथ निभाएंगे। आप सेफ होंगी ना तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। और आपको मेरे साथ फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है मेरा साथ देने के लिए। आप इस दुनिया में कहीं पर भी होंगी ना प्रीता जी, आप मेरे साथ हैं हर पल हर वक्त। और फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं आपको वीडियो कॉल कर लूंगा। लेकिन प्रीता जी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आपकी सेफ्टी के लिए, काव्या की सेफ्टी के लिए, इस परिवार की सेफ्टी के लिए आप प्लीज मेरी बात को मान लीजिए। एक बार आप लोग वहां चले गए ना, सेफ हो गए। उसके बाद अर्जुन का सामना होगा रेशम का, रेशम बेखौफ रेशम। उसके बाद उसके हर बार का जवाब मैं उसी की हार में दूंगा। उसके पैसे और बिजनेस से ज्यादा उसके गुरूर और पागलपन को तोड़ना बहुत जरूरी है। प्रीता जी और मैं करूंगा, भरोसा रखिएगा मुझ पर। सर मैं कमीन कमीन क्या कहा था मैंने तुमसे? मुझे वो फाइल लाके दो जिसमें सारी बैंक्स की इंफॉर्मेशन हो जो फाइनेंस करती हूँ, और इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अरे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? कितनी बार मैंने तुम लोगों से कहा मुझे उसके सारे बैंकिंग और प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर वो क्या वो लगा के रखा तुमने? एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? क्या सर सर लगा के रखा है अभी? निकलो यहाँ से। सर वो आपका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आया है, आपसे मिलना चाहता है। तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अपने काम में बिजी हूँ। तुम्हें लगता है मेरे पास अभी टाइम है उसे मिलने का? उसे कह दो मैं बाद में मिलूंगा उसे। ओके ओके सर। सुनो तुम अभी नहीं मिल सकते सर, बहुत बिजी है। कैसे नहीं मिल सकते? मैंने कहा ना सर बहुत बिजी है, मुझे मिलना है अभी। अरे नहीं मिल सकते, ऐसे जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते तुम। अरे तुम होते कौन हो? मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं जा सकते। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। यस सर। इतनी आवाज लग रहा हूँ, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? सर वॉशरूम गए थे। हेलो अर्जुन, तुम कहाँ पर हो? अच्छा सुनो, ऋषभ के बारे में ना मैंने सारी चीजें पता कर ली है कि इतने सालों से वो कौन से बैंक से कनेक्टेड है, कौन कौन से बैंकर्स उसे आसानी से लोन दे देते हैं, सब कुछ। लेकिन तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं। मैं अभी तुम्हारे केबिन में गई, वहाँ पर तुम थे ही नहीं। कहाँ हो तुम? अंजलि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें पता है वो लूथरास काव्या को मुझसे दूर करना चाहते हैं, उसे न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं, और मैं अभी एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। क्या? अरे ऐसा कैसे कर सकते वो? हाँ करने दो उनको जो करना है, काव्या को मुझसे दूर नहीं कर सकते वो। चाहे कुछ भी हो जाए, काव्या को मैं अपने पास ला कर रहूंगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर देना। क्या तुम टिकट के बारे में सोचे बिना ही चले गए? अरे उस वक्त मैं उस चीज के बारे में नहीं सोच पाया अंजलि, अभी तुमसे कह रहा हूँ मैं टिकट बुक करने के लिए। तुम्हें फोन करने वाला था मैं,
अच्छा ठीक है, तुम अभी फोन रखो, मैं चेक करती हूँ टिकट्स के बारे में, ठीक है? जैसे टिकट्स बुक हो जाए मुझे मेल कर देना। अच्छा सुनो, मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ मेल करती हूँ, फोन तो रखो। अरे काव्या, कैसे मेरे बच्चों? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और समीर चाचू को भी बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। कावू, समीर चाचू को दिखाइए। I miss you। अरे मुझे भी तो फोन दे। ऋषभ, पुत्र अपना ख्याल रखना। हुँ? और बेटा, मॉम का, भाई का, कृतिका सबका ख्याल रखना। जी बुआ। आप करीना बुआ, जरा फोन देना। ऋषभ जी। जी। अब टेक ऑफ होने वाला है, हम आपको पहुंच कर फोन करते हैं, और आप भी जल्दी काम खत्म करके आ जाइएगा। आप ख्याल रखिएगा और पहुंच के मुझे कॉल कर दीजिएगा। आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। बड़े लोग वहां पहुंच गए ना? प्लीज कम इन। थैंक यू मम्मा, मुझे बॉल दो ना। अरे बॉल ऊपर रख दिया, टेक ऑफ हो जाए उसके बाद आपको निकाल कर देती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे अभी चाहिए, मुझे खेलना है। ये कोई खेलने का टाइम है? बोला ना टेक ऑफ हो जाए उसके बाद आप खेल लेना। प्रीता पुत्र, तू तो जानती है कि काव्या कितनी जिद्दी है, चाहिए मतलब अभी चाहिए, दे दे उसे। दे दो ना। दे। देखा, सबने मिलके आपको बहुत स्पॉइल कर दिया। आउच! जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। ये लो, खुश। यहां पर मत खेलना शुरू करो। अरे रुक जाओ, छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। आई मैं। अरे इट्स ओके। समझ भी नहीं आ रहा है, जूते में छुरे को मैं छुपा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, जब देखो बाहर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने कंकर अजीब से देखे हैं। इट्स ओके, किसी को अजीब नहीं कहते। नहीं मम्मा, उनके शूज में नाइफ है। जो भी मैंने उसके लिए किया उसके लिए थैंक्स बोल रहा है। उसने मुझे ना एक्चुअली ऋषभ पे और सारे बैंक्स पे अपनी ग्रिप टाइट करके रखने के लिए कहा था, बस इसीलिए खुश है बहुत। अंजलि, अर्जुन की सगाई तुम्हारी बहन निधि के साथ हुई है ना? अर्जुन निधि का मंगेतर है, पर बदला लेने के लिए प्रीता से शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया उस लड़के का, मतलब एक ही टाइम पे दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। वो ना खो गया है जिंदगी में,
अब उसे एक ही चीज वापस ला सकती है और वो है सच्चा प्यार। दादी कभी कभी ना हम सबको सच्चा प्यार चाहिए होता है, लेकिन किसी को कोई और तो किसी को कोई और चाहिए होता है। अगर सब सही जोड़े मिल जाते ना तो लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, जिंदगी एकदम परफेक्ट होती है ना। अच्छा एक बात बता, अगर ऋषभ को पता चल गया कि अर्जुन भी काव्या के ही फ्लाइट में है तो क्या होगा? हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ऋषभ को अर्जुन के बारे में कुछ पता ना चले। इफ इन केस उसे कुछ पता भी चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसके कंट्रोल में कुछ होगा ही नहीं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि उसे कुछ पता चलेगा, और इस वक्त तो वो पैसों की अरेंजमेंट में लगा होगा कि कौन सी बैंक उसे लोन देगी और कहां से पैसे आएंगे। बहुत गुस्से में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा वो। ये सीट बेल्ट नहीं लगने वाली है, खराब है लगता है। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? देखो लगा रही है, यहां से भारी नहीं। ओह माय गॉड, जब देखो फोटो है तो मम्मा डरती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल सिद्धि विभू कुटाकर। हनुमान जी को तो तब याद करते हैं जब कोई भूत प्रेतों को भगाना हो। एक्सक्यूज मी, हनुमान जी को कभी भी याद करते हैं। भगवान को याद करने के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की जरूरत नहीं होती, भगवान को कभी भी याद करना अच्छा ही होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सर क्या किया आपने ये? ओ, तो तुम चाहती हो कि मैं इसे साफ करूं? ठीक है, ये तरीका है पैसेंजर से बात करने का? आपकी एयरलाइंस की सुविधा बिल्कुल खराब है। सो सॉरी सर, मैं क्लीनर को बुलवा के क्लीन करवा देती हूँ। जाइए जल्दी जाइए। हम लोग टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट। तुम्हारा प्लेन हाईजेक हो चुका है, समझी? तू और तेरे सारे यात्री हमारे कब्जे में हैं। कोई होशियारी की ना तो एक एक को मार के फेंकता रहूंगा। तुम्हारा प्लेन हाईजेक हो चुका है, समझी? गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। मैं नहीं जानता मैं सही कर रहा हूं या गलत, पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, जबकि मुझे तुम पर गुस्सा आना चाहिए क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो। पर फिर भी मुझे तुम पर प्यार आता है प्रीता। प्रीता पर
मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ रीता? मैं क्यों हमेशा तुम्हारी तरफ खिंचा चलाता हूँ? रीता क्या है ये? क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? करीना वो आपको हिचके आ रही है? आप थोड़ा ओहो पानी नहीं है। करीना दी हो ना हो मम्मी जी आपको बहुत याद कर रही है। पर राखी मॉम महेश डैडी जी भी तो याद कर सकते हैं ना, वो तो इनके भाई हैं। नहीं बेटा हिचकी हिचकी में फर्क होता है, इसलिए मैं पहचान जाती हूँ कि कौन याद कर रहा है। आपको कैसे पता भाभी? देखिए दीदी जब एक हिचकी और दूसरे हिचकी में ज्यादा गैप हो ना तो इसका मतलब माँ याद कर रही है, क्योंकि माँ बच्चों का बहुत ख्याल रखती है ना, इसलिए। यही अगर बॉयफ्रेंड या फ्रेंड या फिर कोई जान पहचान वाला अगर याद कर रहा हो ना तो दो हिचकियों के बीच में गैप बिल्कुल होती ही नहीं, क्योंकि उनको तो पड़ी ही नहीं है ना कि सामने वाला हिचकी ले या सांस ले। लेकिन माँ माँ अपने बच्चों का ख्याल हमेशा रखती है कि वो हिचकी भी ले और सांस भी ले। देखा फिर हिचकी आई ना, लेकिन हिचकी में गैप था, इसका मतलब मम्मी जी याद कर रहे हैं। कोई फ्लाइट अटेंडेंट दिख ही नहीं रही है, मैं जाके देख के आती हूँ, आपके लिए पानी लाती हूँ। राखी मॉम मैंने तो सुना है कि जब आपको हिचकी आती है और अगर आप उस इंसान का नाम लो जो आपको याद कर रहा है तो हिचकी बंद हो जाती है। नहीं मतलब अगर बानी दादी करीना बुआ को याद कर रही होती तो अब तक तो इनकी हिचकी बंद हो चुकी होती ना, लेकिन इनको अभी भी हिचकी आ रही है। मतलब कोई और याद कर रहा है? करीना दी करीना बुआ आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? क्या कर रही हो सृष्टि, कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। बुआ दादी आपका बॉयफ्रेंड कौन है? सुन लिया? देखा तुमने काव्या पास में बैठी है, कुछ भी बोलती रहती हो, क्या सोचती होगी मेरे बारे में? सृष्टि प्लीज बोलने से पहले सोच लिया करो। क्यों ना सॉरी एक्चुअली मेरी मिनी भी आप ही की तरह थी। जब मैं इसका बॉयफ्रेंड था और इससे कोई पूछता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो ये भी ऐसे ही झूठ बोल देती थी, मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। हाँ ये बच्चे है, प्लीज आप इसकी बात को मत मानिए। देखिए आप लोग को जो करना है आप कर लीजिएगा, पर प्लीज मैं इस बच्चे को दूसरे कैबिन में ले जाता हूँ, इसके लिए माहौल सही नहीं है। ठीक है? नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। कौन सा कार्टून दिखाते हो उसे जो डरती नहीं है? कमाल के बंदे हैं आप, मतलब उम्र तो काफी लग रही है आपकी लेकिन अकल नहीं आई अभी तक आपको। आप इससे पूछ रहे हो कि इसने अपनी बेटी को इतना निडर कैसे बनाया? अरे इसके बदले आपको इन टेररिस्ट से पूछना चाहिए कि वो एयरक्राफ्ट में चाकू छुरी कहाँ से ले आए। बाहर सिक्योरिटी चेकिंग तो काफी चल रही थी, मुझे रोक दिया उन लोग ने, नेल कटर नेल फाइलर सब कुछ निकलवा दिया, तो फिर ये लोग कैसे ले आए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राखी मॉम, आप लोग ये चाकू वाकू कैसे ले आए? और मेरी दी की गर्दन पे चाकू क्यों तानी हुई है? छोड़िए मेरी दी को, प्लीज छोड़ दीजिए प्रीता को। हाँ ये सही कह रही है मिस्टर, आप छुरी हटा दीजिए और इनकी बहन को छोड़ दीजिए, हम कोई दूसरा गेम खेलते हैं ना? हाँ अंताक्षरी खेलते, बहुत मजा आएगा। ए, चुप! अब कोई भी बकवास नहीं करेगा, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। हम आतंकवादी हैं, बहुत खतरनाक आतंकवादी, इस फ्लाइट को हमने हाईजैक कर लिया है। और अब तुम सब हमारे कब्जे में हो। अब पूरी होगी हमारी डिमांड। डिमांड्स? कैसी डिमांड्स? ए,
वो हम अथॉरिटीज को बताएंगे, तुझे नहीं। अरे जिसको बताना है उसको बताओ, लेकिन मेरी दी को तो छोड़ो पहले। ऐसे कैसे छोड़ दो, यही तो है जो हमें कैप्टन के केबिन तक ले जाएगी। चाबी है ये, उसके बाद हम वहां जाकर फोन करेंगे अथॉरिटीज को और फिर बताएंगे हमारा डिमांड, हमारा मकसद सब बताएंगे। चल। नहीं, आप इसे कहीं नहीं ले जाएंगे, अगर आपको किसी को होस्टेज बनाना है तो आप मुझे बनाइए, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगी। अबे चुप, एकदम चुप। ऐसे कैसे शांत हो जाए, चाकू के नोक पे आप मेरी बहू को वहां ले गए, पता नहीं मेरी बहू कैसी होगी। दीदा रिलैक्स। देखिए हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, ओके, लेकिन इस बच्चे को यहाँ से मैं ले जाता हूँ दूसरे कैबिन में, इसका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप डर रहे हो? सब पैसे क्यों देख रहे हो मुझे? हम लोग कितने सारे हैं और ये लोग इतने कम हैं। हम फ्लाइट में और हम इन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिए के। काव्या बेटा, एयरप्लेन की खिड़कियाँ नहीं खुलती है। नहीं खुलती है तो फ्लाइट में ये खिड़कियाँ बनाए क्यों है? हम इसे बिजनेस क्लास में ले जाओ, प्लीज गो। चलो काव्या। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। काव्या आपको मम्मा की कसम है, चलो यहाँ से। प्रियो बेटा आप भी आ जाओ, चलो। थैंक यू, आपने बहुत समझदारी दिखाई। चलो बच्चों। क्या फायदा, जब समझदारी दिखाने का वक्त आता तब दिखा नहीं पाता। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हाईजैक हो गए हैं। आतंकवादियों की डिमांड है कि वो तीन आतंकवादी जो देश के कोने कोने से पकड़े गए थे, वही आतंकवादी जो 26 जनवरी के दिन देश में आतंक फैलाने वाले थे। क्या? ओह नो। एयरक्राफ्ट से मैसेज मिला है सर, सारे यात्रियों की जान खतरे में है, फ्लाइट को दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है। अगर हमने उन तीन आतंकवादियों को उनके हवाले नहीं किया तो सारे यात्रियों को पड़ोसी मुल्क में उतारा जाएगा, उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ओके थैंक्स। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया, सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में। उनकी डिमांड है वो तीन कैदी जो 26 जनवरी को हमला करने वाले थे, अगर हमने उन्हें उनके हवाले नहीं किया ना तो ये सारे के सारे पैसेंजर्स को यहाँ से दूसरे मुल्क ले जाएंगे सर। क्या? जी सर। प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए सर, सारे पैसेंजर्स खतरे में सर, प्लीज। डोंट वरी ऑफिसर, हम कुछ करते। चौहान सर। न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस न्यूज की रिपोर्टिंग तो सबसे पहले मैं ही करूंगा। कम ऑन आशीष। नहीं, ये मेरा पति नहीं है। नहीं, लेकिन आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? ये देख, हम सब जानते हैं वो बच्ची तेरी बेटी है और ये आदमी तेरा पति।
अब ये मत कहना कि तेरा पति नहीं है।